बुरहानपुर में महाराष्ट्र के खामगांव जिले के शेगांव के प्रसिद्ध संत गजानन महाराज का जन्मदिन प्रकट उत्सव के रूप में उनके अनुयायियों ने पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया। जगह जगह गजानन महाराज के तैल चित्र पर आरती की गई, साथ ही जगह जगह महाप्रसादी भंडारे का आयोजन किया गया। खास बात यह रही कि भंडारे में गजानन महाराज के पसंदीदा भोज बेसन, ज्वार की रोटी, हरी मिर्च का ठेसा व आम का अचार परोसा गया। इस प्रसाद को आधुनिक गैस चूल्हों में नहीं बल्कि लकड़ी के चूल्हों पर महिलाओं ने तैयार किया। दो साल तक कोरोना के चलते भंडारे आयोजित नहीं हो रहे थे, लेकिन दो साल बाद शहर में जगह जगह भंडारे आयोजित किए गए। इसमें सभी समाज व वर्गों के लोगों ने हिस्सा लिया। कई भंडारा स्थल पर कोरोना गाइडलाइन के साथ साथ स्वच्छता, शिक्षा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारों की तख्तियां लगाकर जागरूकता के संदेश दिए गए। इन भंडारों में शामिल होने के लिए महाराष्ट्र से भी बड़ी संख्या में नागरिक पहुँचे थे। नहीं मना पाया इस बार गजानन महाराज का उत्सव, हर्षोल्लास से जन्मोत्सव उनका मना रहे। आज क्या विशेष यहाँ देखा गया कुछ भंडारे के स्थल का? आपने कुछ सूचना दी है क्या? स्वच्छता, शिक्षा, बेटी बचाओ, रक्तदान, ऐसा सभी को निर्देश है। मतलब समाज में पॉजिटिव मुहिम चला रहे हैं ये संत श्री गजानन महाराज जो है शेगा वाले, इनका प्रकट उत्सव मना रहे हैं हम। पिछले 20-22 साल से हम इन्हें मनाते आ रहे हैं। जो आज गजानन महाराज का प्रिय भोजन बेसन और भाकरी और मड़ी की सब्जी और ठेसा, ये प्रसाद ही दे रहा हमें। कहाँ आयोजन किया जा रहा है? ये न्यू महालक्ष्मी नगर में निवास।